अपन ने पढ़ा था एक रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट है ना, और एक है ये रॉन्ग साइन, मतलब इसमें एरर क्या होगा। कोई नाम डेबिट में लिखना है, आपने गलती से क्रेडिट में लिख दिया, आप उसको सुधार क्या है, वापस उसको कहाँ लिख दो। अगर कोई नाम क्रेडिट में लिखना था, आपने गलती से डेबिट में लिख दिया, तो वापस उसको क्या कर दो, क्रेडिट में कर दो। अब इसमें जो एरर मिलेंगे ना, वो दो प्रकार की मिलेंगे। इसी जो फोर्थ पॉइंट, If one amount is given, क्वेश्चन में एक ही अमाउंट दिया, उसका सोल्यूशन है डबल डी अमाउंट, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लिखा होगा क्वेश्चन, कैसे दिया होगा, रेंट पेड 100। अब इसमें लिखा होगा रॉन्गली क्रेडिटेड रेंट अकाउंट। अब रेंट पेड करोगे तो क्या एंट्री बनती है, मैं आपको बताया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में स्टार्टिंग का जो सेंटेंस होगा उसमें आपको सही एंट्री मिल जाएगी। तो रेंट पेड क्या है, एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डी आर टू कैश 100 रुपए, 100 दिस इज योर राइट एंट्री। गलती क्या हुई, गलती क्या लिखी है, रॉन्गली क्रेडिटेड रेंट अकाउंट, रेंट के नाम को गलती से तुमने कहां लिख दिया है, क्रेडिट, बाय मिस्टेक रेंट का अकाउंट कहां लिख दिया, क्रेडिट साइड में। तो मैंने क्या बताया था, डेबिट का अगर क्रेडिट हो गया, गलती से डेबिट का आइटम कहां लिख दिया, सुधार क्या है, तो सुधारा कैसे जाएगा, आप रेंट को वापस कहां लिख दो, डेबिट में, और एक जगह खाली पड़ गई, ये जगह खाली है, क्योंकि कैश में कोई मिस्टेक हुआ नहीं है, मिस्टेक केवल कहां हुआ है, रेंट को आपने कहां लिख दिया, क्रेडिट में, डी आर की जगह सी आर में। तो वापस उसको सही करके कहां ले आना है, वापस उसको डीआर में ले आना है, खाली जगह तो बचेगी, इस जगह पे वर्ड आ जाएगा सस्पेंस, और एक अमाउंट दिया तो अमाउंट डबल हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे को तुमको 100 रुपए देने हैं, मैंने उल्टा तुमसे 100 रुपए ले लिए, अब मैं कैसे सुधारूं, एग्जांपल ध्यान से, मैंने मुझे तुमको 100 रुपए देने थे, मैंने तुमसे 100 ले लिए, अब वो सुधरेगा कैसे, 200 वापस, अमाउंट डबल हो गया। मुझे तुमसे 100 रुपए लेने थे, मुझे तुमसे 100 रुपए लेने थे, मैंने तुमको 1000 दे दिए, सुधरेगा कैसे, 1100, ठीक है ना। तो वहीं से दूसरा पॉइंट निकल के आता है डी नंबर, इफ टू अमाउंट आर गिवन, क्वेश्चन में दो अमाउंट दिए हैं तो क्या करना होगा अपन को, अभी तुमने क्या किया, दो अमाउंट से तो ऐड कर दिया, 100 और 1000 था तो क्या किया, ऐड करके उसको क्या बना दिया, 1100। अब इसमें एग्जांपल यही लेते हैं अपन, मैंने लिखा रेंट पेड 100 रॉन्गली क्रेडिटेड रेंट अकाउंट 1000, रेंट दिया 100 रुपए, तो क्या एंट्री बनेगी, रेंट अकाउंट दिया टू कैश, ये एंट्री होनी चाहिए थी, पर गलती से क्या हो गया, टू में रेंट लिख दिया, वो भी वैल्यू कितने लिख दी, 1000। तो अब सुधारे कैसे, रेंट को वापस कहाँ लिख देंगे, रेंट अकाउंट डी आर,
खाली जगह पे क्या आ जाएगा, सस्पेंस। और चूंकि दो अमाउंट दिए हैं तो अमाउंट हो जाएगा जोड़ की 11। अब जब वो पहचानोगा कैसे एग्जाम एग्जाम का टाइम, तो आपको मैंने चार एरर बताया। एक बताया एरर जिसमें क्या लिखा होता है, वर्ड क्या मिलता है बताओ, मिलता है ओमिशन का मतलब क्या था, भूलना। दूसरे में क्या मिला था, रॉन्ग, गलत अकाउंट में पैसा चला गया। तीसरा एरर क्या मिला था, रॉन्ग, कम या ज्यादा अमाउंट लिख दिया था। और तीसरा क्या मिला था, चौथा क्या बताया अभी आज, रॉन्ग। ये चार में से ही कोई गलती होगी, इन चार में से ही कोई ना कोई एक मिस्टेक आपने की होगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल है। अब मैं इसमें एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, चलो एग्जांपल नंबर टू। सेल्स गुड टू राम 1000 रॉन्गली क्रेडिटेड, क्या लिखा, सोल्ड गुड्स टू राम, क्या एंट्री बननी चाहिए थी, राम अकाउंट दिया टू सेल्स होना चाहिए था। अब गलती क्या हुई है, राम के अकाउंट को कहाँ लिख दिया तुमने, क्रेडिट में, जबकि राम का अकाउंट जाना कहाँ था, डेबिट में। तो सुधारेंगे कैसे, राम के अकाउंट को जहाँ लिखना है वहां लिख देंगे, खाली जगह पे क्या लिख देंगे, सस्पेंस, और वैल्यू एक दी है तो क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, सिंगल वैल्यू को डबल। अब इसी की जगह मान लो मैं चेंज कर दूं, मैंने 100 रुपए लिखने थे, चलो 1000, मैंने लिख क्या दिए 100, यहाँ वैल्यू चेंज होगी क्या हो जाएगी, बात समझ में आई। कोई भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें ये चार वर्ड तुमको ढूंढ लेना, भैया भूल गए हो या गलत अकाउंट में चला गया, गलत अकाउंट का मतलब क्या होता है, तुमको राम के अकाउंट में डालना था पैसा, रामा के अकाउंट में चला गया, करना था फर्नीचर के अकाउंट में लिख दिया परचेस के अकाउंट में, अंडर कास्टिंग ओवर कॉस्टिंग, आपने ज्यादा लिख दिया या आपने कम लिख दिया। रॉन्ग साइड मतलब आपको लिखना था डेबिट, आपने लिख दिया क्रेडिट में, तो उसके लिए सिंपल सा वर्ड क्या मिलेगा, रॉन्गली क्रेडिटेड, रॉन्गली डेबिटेड, गलती से डेबिट हो गया, तो सीधा मतलब है गलती से डेबिट हुआ तो क्या करना है, क्रेडिट, गलती से क्रेडिट हुआ तो क्या करना है, डेबिट करना है। अमाउंट अगर एक दिया है तो डबल कर देना, दो अमाउंट दिए हैं तो दोनों को ऐड कर देना, ठीक। इसकी फोटो किसी ग्रुप में डालो, देन यू मूव टू द क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करो, मैं नहीं जोड़ा फोटो, हम क्वेश्चन में चले। Thank you.